तो आपको दादा के नाम से लोग जान रहे हैं, जब से आपकी इतनी लंबी चौड़ी बोली लगी है आईपीएल कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा, तो लोग कहने लगे हैं कि अब सौरभ दादा की जगह नहीं, गौतम गंभीर जो है वो दादा हो गए कोलकाता के लिए। आई थिंक ऑब्वियसली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज्यादा जाएगा, एक्सपेक्ट किया था कि एटलीस्ट एक अच्छे अमाउंट तक जाएगा, और बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि बिकॉज आपका तभी प्राइस बढ़ता है जब बाकी फ्रेंचाइज भी आपके लिए बिट करें। अरे झगड़े हो रहे थे आपके लिए तो शुरुआत में, तो मुंबई इंडियंस और पुणे वॉरियर्स के बीच में टसल होने लगा आपके नाम पर, उसके बाद बीच में वो राजस्थान रॉयल्स भी कूद पड़े, बेंगलुरु भी कूद पड़े, अल्टीमेटली कोलकाता नाइट राइडर्स ने 11 करोड़, कभी सोचा था ऐसा इतना मिलेगा ये नहीं एक्सपेक्ट किया था। एट द सेम टाइम कि मैं थैंक्स कहना चाहूंगा सारे फ्रेंचाइजीज को कि अगर उनको लगा कि मेरे में फेथ तभी इतना ऊपर गया, और बहुत खुश हूं कि कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ की तरफ से खेलूंगा इस बार, बिकॉज एक अच्छी टीम है, बहुत अच्छी बैलेंस साइड है, तो होपफुली हम इस साल अच्छा डिलीवर कर सकें। धोनी और सचिन दोनों पीछे छूट गए, आपकी जो बोली लगी वो इन सब से भी ज्यादा लगी, आपको कैसा लग रहा है कि धोनी और सचिन को भी आपने मात दे दिया? तो आई थिंक आप अगर आप देखो तो कोई कंपैरिजन नहीं है किसी में भी, ना आप सचिन को किसी से कंपेयर कर सकते हो, ना आप धोनी को, ना मैं किसी से कंपेयर कर सकता हूँ। तो मैं ये जैसे आपको मैंने पहले कहा कि ये एक फेथ है जो बाकी सारे फ्रेंचाइजी को था मेरे ऊपर, तभी मेरा प्राइस इतना ऊपर गया। जब इस तरीके की आप पर बोली लग गई तो उसके बाद आपने धोनी और सचिन से बात की? नहीं, आई थिंक वो साउथ अफ्रीका में थे और मैं वापस दिल्ली आ रहा था। आई थिंक जितना मैं उन दोनों को जानता हूँ काफी खुश होंगे, बिकॉज ऐसा एक टीम से खेलते हैं और ऐसा कोई कंपैरिजन भी नहीं है, तो काफी खुश होंगे जिस और बहुत अच्छे लोग भी हैं, तो आई थिंक देयर आर वेरी गुड ह्यूमन बीइंग्स एज़ वेल। अच्छा देखिए, इस बार जब आप कोलकाता के लिए खेलेंगे तो दादा जिनका इतना बड़ा जिसे कह सकते हैं कि परसोना है, और खास करके कोलकाता में और खास करके ईडन गार्डन्स में, अगर दादा नहीं हो फिर वहां पर आप लगेगा नहीं कि आप आगे आ गए और दादा पीछे छूट गए? अगर आप देखो तो हर क्रिकेटर की एक टाइम तक ही खेल सकता है क्रिकेट, सौरभ का कोई कंपैरिजन नहीं है, वो अपने वो एक लेजेंड है थे, बट एट द सेम टाइम ये फ्रेंचाइज का डिसीजन है, उस ओनर्स का डिसीजन है कि उन्होंने क्या उनकी स्ट्रैटेजी है, क्या उन्होंने टीम बनानी है। जैसे शाहरुख खान ने कहा कि वो दादा को एज अ मेंटोर देखना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि दादा कोलकाता नाइट केकेआर के मेंटोर बने? एब्सोल्युटली, आई थिंक उनकी टीम है और हमेशा उनकी टीम रहेगी, और सबसे बड़े नाम है कोलकाता में, और जैसे लोग कहते हैं उनको ही इज द प्रिंस ऑफ कोलकाता, तो बहुत खुशी होगी अगर वो मेंटोर बनते हैं, और जितना सपोर्ट मिलेगा उनसे उतना अच्छा, बिकॉज कोलकाता चाहे वो टीम में हो या ना हो, कोलकाता उनकी ही टीम है और उनकी ही टीम रहेगी। बिकॉज अगर आप देखो, मुझे नहीं लगता अगर कोलकाता अगर जीतेगी, अगर होपफुली इस साल जीतती आईपीएल, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे लगता है सौरभ गांगुली को ही होगी। सौरभ विल ऑलवेज बी एन इंटेग्रल पार्ट, अगर वो मेंटोर बनते तो सबसे ज्यादा खुशी हम सबको। बात हुई सौरभ गांगुली से? नहीं, किसी भी तरीके से अगर वो टीम में इन्वॉल्व होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी होगी हर प्लेयर को और सारी टीम मैनेजमेंट को, बिकॉज वो एक बहुत बड़े नाम है और जितना उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा उतना हमारे लिए अच्छा है।